राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस 23 अगस्त के अवसर पर नरौली पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को आरटीओ विभाग की तरफ से इस दिन के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं आरटीओ प्रशासन आरएन चौधरी और प्रवर्तन राधेश्याम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। सड़क पर आए दिन हादसे से होने वाली मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आरटीओ विभाग की तरफ से समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। कई बार चालकों की लापरवाही से उसके साथ ही उसके परिवार व सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए चालकों को प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कैसे उनको और उनके कार्य में पारंगत करें। इसी उद्देश्य को लेकर 23 अगस्त को राष्ट्रीय ड्राइविंग स्कूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें ड्राइविंग सिखाने वाली संस्था को भी जागरूक किया जाता है, क्या मानक होना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। देना चाहेंगे जनता को, आज हमारा जो मुख्यालय से कुछ पोस्टर हमें प्राप्त हुए हैं 2021 के, उसमें डाटा दिए गए हैं। तो 2021 में लगभग 4,12,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1,53,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जबकि 3 साल में कोरोना से, जिसमें पूरा विश्व, हमारी पूरी एजेंसी लग गई थी, लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं, मतलब लोगों की मृत्यु हुई है। इस तरह से जो ये विभीषिका है, दुर्घटना की विभीषिका, ये और महामारी से ज़्यादा भयंकर है। तो इसको हम लोग, हमारी सरकार और सभी एजेंसियों के माध्यम से इसको कम कराने के प्रयास कर रही है। विभिन्न कार्यक्रम हम लोग, जैसे सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, माह मनाते हैं, उसी तरह से आज नेशनल डे गवर्नमेंट ने मनाने का निर्णय लिया किया है। उसमें हमारा विभाग और स्कूल, जो हमारे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं, उसके माध्यम से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए ड्राइविंग सीखने के लिए। यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, एक रैली निकाली जा रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एक ऐसा जरिया है जो हमारे मैक्सिमम लोगों को लाभान्वित कर सकता है। अच्छे हमारे ड्राइवर स्किल्ड अगर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हमारा कम होगा, इसलिए इनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। समझे, छोटे बच्चों को भी ड्राइविंग सिखाई जाती है, तो इस पे किस तरह से ध्यान दिया जाएगा शासन की तरफ से? अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत जनपद में नहीं आई है या संभाग मंडल में नहीं आई है कि गैस लगी हुई गाड़ी से सिखा रहे हों या नाबालिग बच्चों को सिखा रहे हों। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उस संबंधित स्कूल के खिलाफ हम जो मोटर व्हीकल एक्ट में नियमानुसार कार्रवाई होनी है, वैधानिक कार्रवाई, वो हम करेंगे, उसमें कोई हिचक नहीं। आजमगढ़ में कितने स्कूल हैं सर? 23। पब्लिक को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? अपनी जान बचाएं, अपने लोगों की जान बचाएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान बचाएं। आपकी जान पर केवल आपका अधिकार नहीं है, आप एक परिवार की दुनिया हैं और आपके कुछ हो जाने से एक दुनिया निराशित हो जाती है, असहाय हो जाती है। किन किन मार्गों से आज ये रैली जाएगी होकर रोड? हम लोग काफ़ी लंबा मार्ग तय करेंगे, कई मार्गों से होते हुए और अंत में सिविल लाइन में इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है।